यहाँ क्या कर रहे हो? वो बबलू भैया हमको बुलाए थे। बुलाए और तुम चले आए? ए चंदा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको भैया? बबलू भैया छोटा भाई है हमारा। ओ तब भाई हम बोले इतना साथिर कैसे है? जे तो तुमसे भी आगे निकलेगा बेटा। मारेंगे कान में, गिरोगे जापान में। हमसे कहे टिटोली करे हो बे, जाके शिव प्रसाद भैया जी को बोलो, वही हमको बोले बच्चा लोगों को काम पे लगाओ। तुमने तो कहा था अगर पुलिस बच्चों लोगों को पकड़े तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी जबान है रे तुम्हारी। हाँ तो बताए बबलू भैया, बच्ची से पिटोगे अच्छा लगेगा। कंट्रोल में रहो बेटा, समझे? शिव प्रसाद भैया भी परशुराम जी के उत्ते ही किलो जाए। और अगर हम लोग शुरू हो गए ना बे, बाप रे बाप, डर के मारे हमरा तो हालत खराब हो लगा। बुढ़ बाक बोलना चाहे कच्चा पूछे। अरे दादा देख तो बची गवा, यही एक पकड़वाएगा तुझे, ठिकाने लगाएगा। शक्तिमान ने गुंडों को बहुत मारा। नहीं अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपए देंगे। 100 रुपए चंदा फिसल मत। बड़े आए दादा बहुत लाच। अरे चल तेरे वजह से वेदा भैया हमें पक्के से डांटेंगे। अरे पुलिस उतार दो कच्चा भी उतार दें। मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना तो उधर गए हैं, अब जाएं। मैडम ये लड़की का बैग में ये पैकेट मिला। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं रास्ते में गिरा मिला। इसको कहीं मारी है? बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। झूठ कहीं बोल रहे? हम झूठ बोल रहे हैं। 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद हो गलत। क्या नाम बताया लौंडे का? शतक भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं बबलू, ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका निशान मारो उस पे। दादा कुछ नहीं हुआ, लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभल के रहूंगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोपा?
तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो और रातों रात डॉन बन जाते हो बिना पेताल, और अब बाप का गड़ा भर गया तुम्हारे सामने बैठ के पहिया गुजारे हो, खुद को अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या? सवाल हमारे बारे में है ही नहीं सर, सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन एक कहानी में तो दोनों बुरे हैं, तभी तो है धर्म संकट। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बुराई को सजा देने में कंजूसी क्यों? दोनों कमीनों को मारो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, दंड का विधान नहीं जानते हैं आप। एक अपराध एक दंड, जय पाल। एक अपराध एक दंड, अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप सर? शिवपाल साहब को या मतलब को? शिव प्रसाद ने जुर्म करवाया, बबलू ने जुर्म किया, यानी बबलू सिर्फ ट्रिगर है, शिव प्रसाद ट्रिगर को दबाने वाली होंगे। दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए। तुमने जो किया वो सिर्फ अपने भाई के प्रेम में किया, अपनी क्राइम की दुनिया में चढ़ने के लिए? कोई मिलने आया आपसे सर? मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं।